नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें ताबड़तोड़। देशभर में महाशिवरात्रि की धूम है, दीवारों में गूंज रहे बाबा भोले के जयकारे, शिव भक्तों की भार भी। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया, पीतेश्वर नाथ मंदिर में भी जाएंगे सीएम योगी। जोशीमठ में सुबह 4 बजे से शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान शिव का हो रहा जलाभिषेक। ज्योतेश्वर महादेव में आदिगुरु शंकराचार्य ने 5 साल तक घोर तपस्या की। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। हर साल शिवरात्रि के मौके पर होती है कपाट खुलने की तारीख की घोषणा। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु, मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, संगम में स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु, मनकामेश्वर नाग वासुकी सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। अमरोहा में भगवान शिव का जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़े शिव भक्त, 54 फीट ऊंचे शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया, वसुदेव तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता। रायबरेली में शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब, शहर और ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में उमड़े शिव भक्त, गंगा जल और दूध से हो रहा है भगवान शिव का जलाभिषेक। बाराबंकी के प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है, मंदिर में लगे श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। बुलंदशहर में पुलिस ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, वीडियो वायरल हुआ। इटावा में कांवड़ियों का किया गया भव्य स्वागत, चकरनगर बहेड़ी इलाके में कांवड़ियों पर पुलिस ने किया पुष्प वर्षा, भोले के जयकारों से गुंजायमान रहा पूरा इलाका। एटा मुख्यालय में ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम, हजारों महिलाएं पुरुष बच्चे बम भोले के जयकारे लगाते हुए शिवरात्रि की पूजा करते हुए नजर आए। गोरखपुर में भी महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी, शिव के मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में कर रहे हैं जलाभिषेक। काशीपुर के प्राचीन मुटेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्त कांवरियों का तांता लगा, शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे शिव भक्त, मुटेश्वर महादेव मंदिर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन को उमड़ी भीड़, महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना का दौर जारी, श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर किए गए खास इंतजाम। आज महाशिवरात्रि दुनिया भर के शिवालयों में सुबह से जुटी शिव भक्तों की भीड़, उज्जैन के महाकाल में गूंजे भगवान शिव के जयकार। जोधपुर हाईकोर्ट ने महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकालने की परमिशन दे दी, प्रशासन ने शिव बारात निकालने की नहीं दी थी परमिशन, कोर्ट पहुंचा था विश्व हिंदू परिषद। झारखंड के देवघर में लगाई गई धारा 144 वीवीआईपी और वीआईपी दर्शनों पर है गिरोह, सुरक्षा व्यवस्था में 2800 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। गुजरात के धर्मपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर बनाया गया 31.5 फीट लंबा शिवलिंग, 31 लाख रुद्राक्षों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। मऊ में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट, सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना कोतवाली से थाना दक्षिण टोला तक फ्लैग मार्च किया गया। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर चालू बाइक में पेट्रोल डालना पड़ा भारी, पेट्रोल डालते वक्त बाइक में अचानक से आग लगी, बाइक सवार युवक ने भागकर जान बचाई। सीतापुर के मड़िया इस्लामनगर गांव में आग लग गई, हाई टेंशन लाइन में चिंगारे लगने से 7 किसानों की 30 बीघे गन्ने की फसल चलकर राख हो गई, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगने से 25,000 के दो इनामी बदमाश घायल, दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एटा में बोले यूपी वक्फ विकास निगम के चेयरमैन गुमाल मोहम्मद, कहा वक्फ किसी की जागीर नहीं है, वक्फ माफिया के खिलाफ सरकार से की कार्रवाई की मांग। हरदोई में दूल्हे की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, दूल्हे समेत 6 लोग घायल।
धारचूला में तवा घाट रिपुलेख हाईवे पर हुआ हादसा, एक बुलेरो 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, नेपाल के रहने वाले एक शख्स की मौत की खबर। भदोही दौरे पर रहे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, बच्चों के साथ पाठशाला भी लगा। औरैया में वन विभाग के इंस्पेक्टर पर कोयला व्यापारियों का गंभीर आरोप, वन विभाग की मिलीभगत से जंगलों में काटे जा रहे हैं हरे पेड़, व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बस्ती में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भादेश्वर नाथ मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना। हल्द्वानी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में दिखी शिव भक्तों की भीड़, रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे भक्त दिखाई दिए। गाजीपुर में निजी कार्यक्रम में एक साथ दिखे आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह और माफिया ब्रजेश सिंह, सपा नेता एसपी पांडे के बेटे के मांगलिक के अवसर पर पहुंचे थे दोनों नेता। अम्बेडकर नगर में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का महापर्व, शिवालयों में हो रहा है भोलेनाथ का जलाभिषेक, सभी मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के बजट सत्र से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बुलाई बैठक, कल पार्टी दफ्तर दोपहर 1:30 बजे बुलाई बैठक, बजट सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी करने के लिए मुद्दों पर बनेगी रणनीति। चित्रकूट में अब्बास की पत्नी निकट से आज दोबारा पूछताछ करेगी पुलिस, आज निकट अंसारी की पुलिस रिमांड का दूसरा दिन है, सूत्रों से खबर, कल निकट ने कई अहम राजों से पर्दा उठाया, निकट और ड्राइवर से अलग अलग कमरे में एसटीएफ कर रही है पूछताछ। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत मामले पर सियासत जारी, सपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जताया विरोध, मंडोली गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले आप सांसद संजय सिंह। बांदा में 19 फरवरी तक चलने वाले कालिंजर महोत्सव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, 3 दिवसीय मेले में सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स भी लगे, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। झारखंड के पलामू में हुई हिंसा पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान पर, इस्लाम नहीं देता झगड़े की इजाजत, हमेशा से होते रहे झगड़े, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सराहा, कहा 10 लाख करोड़ के सापेक्ष में 33 लाख के आसपास जो निवेश का प्रस्ताव मिला वो काबिले तारीफ है। रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद पर प्रयागराज में बोले फिल्म अभिनेता राजा मुराद, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करना गलत, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। सवालों में घिरे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की सफाई, फतेहपुर में 72 प्लॉट के आवंटन पर कही आवंटन रद्द कराने की बात, फतेहपुर के लघु उद्योग भारतीय अध्यक्ष ने की थी शिकायत। गाजियाबाद के निवारे नगर में हत्या से सनसनी, पति ने चाकू गोद कर पत्नी की हत्या कर दी, दोनों के बीच शादी के बाद मनमुटाव था, हत्या आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला समेत हनी ट्रैप गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, श्री फोटो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप, रिटायर्ड अधिकारियों का भी बना चुके शिकार। नोएडा में ब्लैकमेल करके ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ, अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से ठगी किया करते थे, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। आगरा पुलिस ने फिरोजाबाद में जाटापुरी के पास कबाड़ दुकान में छापेमारी की, चोरी की 5 गाड़ियों के साथ कबाड़ दुकान के मालिक को अपने साथ ले गई पुलिस, रामगढ़ क्षेत्र में कबाड़ की दुकान। जालौन एसपी का बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी, 23 इनामी बदमाशों की सूची जारी, शुक्रवार को एसओजी और कोतवाली पुलिस ने 50,000 के इनामी को एनकाउंटर करके पकड़ा, गोली लगने से घायल बदमाश को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मथुरा के सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल, सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसा सवारी से भरा ऑटो, अस्पताल में भर्ती सभी घायल। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा मामले में 3 और लोगों की रिहाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से छूटे 3, इससे पहले भी 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। रायबरेली में मंत्री के सामने 2 भाजपा नेताओं की नोकझोंक, भाजपा के किसान नेता ने दूसरे नेताओं से शिकायत की, 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची थी राजमंत्री प्रतिभा शुक्ला। आगरा के जगदीशपुरा में शिक्षिका के घर लाखों की चोरी, शिक्षिका और उसके पति हॉस्पिटल गए थे, मौके का फायदा उठाकर 8 लाख के जेवरात और 50,000 नकदी लेकर फरार हुए चोर, घटना कैमरे में कैद। मां बेटी की जलकर मौत के मामले में गठित एसआईटी ने कानपुर देहात में डाला डेरा, एसआईटी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात।
लखनऊ के सरोजनी नगर में मेडिकल की छात्रा का नवी मंजिल से गिरने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छात्रा सरोजनी नगर के अमेसी स्थित टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जांच में जुटी पुलिस। बस्ती में 200 रुपए के चक्कर में चाचा ने भतीजे को चाकू गोद कर मार डाला। शराब के नशे में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़ी की घटना। इटावा जिलाधिकारी से मिले ठगी के शिकार सैकड़ों लोग। चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी के शिकार लोगों ने न्याय की मांग की। जिलाधिकारी ने दिया नीतिगत कार्रवाई का आश्वासन। पीलीभीत में बारात घर में आयोजित भजन कीर्तन के नाम पर कराया जा रहा है धर्मांतरण। मामले में पुलिस ने दर्ज किया FIR। हिंदुवादी नेता प्रशांत द्विवेदी ने की थी शिकायत। लखनऊ पहुंचे अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने सीएम योगी की फिल्म नीति और उनके काम को जमकर सराहा। एपीपी गंगा के साथ बातचीत में रकुल ने कहा यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बुलंदशहर में कावड़ लेने आए दो श्रद्धालु गंगा में डूबे। एक को सकुशल बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। जिले के अनूपशहर गंगा घाट का मामला। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने खुद को बताया टीपू सुल्तान का फॉलोअर। वायरल वीडियो में दानिश ने गोडसे को बताया देश का पहला आतंकवादी। उत्तराखंड पलायन आयोग में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी की वजह से प्रभावित हो रहा है सर्वे का काम। आयोग में फिलहाल सिर्फ दो कर्मचारी ही मौजूद हैं जो करते हैं डेटा एंट्री का काम। हल्द्वानी दौर पर पहुंचे सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बजट पर सीएम धामी बोले हर क्षेत्र को देखते हुए तैयार किया जा रहा है बजट। पीएम मोदी पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बयानों से भड़की भाजपा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा विदेशी धरती से मोदी नहीं देश की संसद पर साधा गया निशाना। मेघालय के गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। अमित शाह मेघालय पहुंचे, वहां पर बोले कि यहां जो भी सीएम बना उसने परिवार के लिए काम किया। भाजपा सरकार आएगी तो होगा विकास। मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कहा अखंड भारत नहीं भाजपा तो भारत को तोड़ने का कर रही है काम। हैदराबाद के काला पत्थर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में AIMIM समर्थकों का हमला। पुलिस ने दर्ज किया केस, कॉर्पोरेटर पर लगे आरोप। एकनाथ शिंदे को मिला उद्धव की सेना का तौर कमान निशान। चुनाव आयोग के फैसले से नाराज दिखे उद्धव गुट। उद्धव गुट ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई। कर्नाटक विधानसभा में बजट के विरोध में कान में फूल लगाकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक। भाजपा सरकार पर पिछले वादे पूरे ना करने का आरोप। कर्नाटक के रामनगर में बनेगा भव्य राम मंदिर। भाजपा की बोमई सरकार ने बजट में मंदिर बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस बोली पहले से मंदिर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दो दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अलवर भरतपुर और टोंक में कई चुनावी जनसभा करेंगे ओवैसी। आज होगी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जीएसटी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाने की उठी मांग। सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस अलकमान सही समय पर लेगा सही फैसला। अडानी विवाद पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाकर रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी। शेयर बाजार के कामकाज पर भी सुझाव देगी कमेटी। एमपी के सुपरसोनिक विमान पर फिर दिखा हनुमान जी का स्टिकर। विवाद के बाद HAL ने दो दिन पहले हटाया था। बेंगलुरु में एयर शो में दिखाया गया था। भिवानी कांड की जांच तेज। पुलिस ने रिंकू सैनी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी पुलिस। दिल्ली में बन रहे मेट्रो स्टेशन पर हादसा। शटरिंग का हिस्सा एक गाड़ी पर गिरा, कार सवार घायल। हैदराबाद बादली की घटना। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में बढ़ने वाली है चीतों का परिवार। ग्वालियर पहुंचे साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। थोड़ी देर में कुनो नेशनल पार्क में सीएम शिवराज करेंगे रिलीज। भारत में ट्विटर के 3 में से 2 ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। अब केवल 3 एम्प्लॉइज बचे हैं। सिर्फ बेंगलुरु में काम होगा। भारतीय मूल के नील मोहन बनाए गए यूट्यूब के नए सीईओ। सुसान वोजस्की के इस्तीफे के बाद हुई नील मोहन की घोषणा। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।